सर और एक बात जानना चाह रहे थे हम, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि बस वगैरह रोकना वो सब तो सही है, लेकिन क्रिमिनल के बारे में इतनी जल्दी मीरा ने कैसे पता लगाया? वो इतनी जल्दी असली मुजरिम तक कैसे पहुंच गई? अरे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी क्रांति है ये। मीरा क्राइम होने से पहले क्राइम को देख सकती है। जैसे कि आज सुबह जो घटना घटी, मीरा को उसका अंदेशा पहले से ही हो गया था। गाड़ी रोको। अरे ये गई कहाँ? इसने किया क्या है मीरा जी? इसने गोली चलाने का जुर्म किया है, मैंने इसे रेड हैंडेड पकड़ा है। ऑल यूनिट अलर्ट, बसंतपुर रोड पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस अपना संतुलन खोकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पास के पुलिसकर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं वहाँ पे 30 सेकंड में पहुँच सकती हूँ। गाड़ी रोको। हमें पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल मची हुई है, यही ना कि क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे ऐसा हो चुका है। मीरा अपने सभी टेस्ट में अव्वल नंबर से पास हो चुकी हैं और 100% ये होने वाले अपराध को, होने वाले खतरे को बहुत अच्छे तरीके से भांप सकती है। हाँ। बाप रे बाप, ज्योतिष है ही तो। अरे वाह, अगर ऐसा बात है सर फिर तो बात ही खत्म हो गया ना। फिर हमारा क्या जरूरत है डिपार्टमेंट को? जब अपराध होने से पहले अपराध का पता चल जाएगा, अपराधी का क्राइम करने से पहले अपराधी जेल में आ जाएगा, तो फिर तो हम एक काम करते हैं, या तो हम घर चले जाते हैं या फिर हम लूडो खेल लेते हैं। कि साक्षात भगवान उतरे हैं ना हम सबकी रक्षा करने, तो हमारा तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। करिश्मा सिंह, हर क्रांति के पीछे बड़ी कुर्बानियां होती हैं, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने डिपार्टमेंट के भलाई और अपराध से लड़ाई के लिए कड़े कानून बनाने पड़ते हैं, कठोर बनना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 50% नहीं सर, हम कुछ समझे नहीं। अगर ये प्रयोग सफल रहा और शहर का क्राइम रेट 50% अगर कम हो गया ना, SHO रैंक के नीचे जितने भी पोस्ट हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्स से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। क्या? यानी कि आप लोगों की नौकरियां जाएंगी, हसीना मलिक के नहीं। देखिए सर, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह के प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंट्स के या फ्यूचरिस्टिक मशीन के हम खिलाफ नहीं हैं। हम ये भी बात मानते हैं कि बहुत से मामलों में मशीन इंसान से बेहतर है, लेकिन वो इंसान नहीं है सर। वो इंसान की जगह तो कतई नहीं ले सकती। आई एम सॉरी, लेकिन हमें लगता है कि ये फैसला गलत है। ऐसा आप सोचते हैं? मशीन्स और इंसान का ना पहले कोई मैच था ना आज है। हम मशीन्स हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपग्रेड होते हैं और अपने आउटडेटेड पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। क्या आप इंसान ऐसा करते हैं? नहीं, इंसान सदियों से खुद को रिपीट कर रहे हैं। फंक्शनिंग बदली है, थॉट्स नहीं। इंसानों ने टेक्नोलॉजिकली भले ही काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन सोच अभी भी बैकवर्ड और आउटडेटेड है। हम मशीन्स फ्यूचर देख सकते हैं। क्या आपके पास ये पावर है? हाँ देख पा रहे हैं, हम भी तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि शहर के बाहर टीन के डब्बों का पहाड़ होगा जिसमें तुम पड़ी मिलोगी हमको थोड़ा टाइम के बाद, समझ रही हो? पहले आई थी तो मशीन से इंसान बन के गई थी, अब फिर से मशीन बन के आ गई हम इंसानों का खून चूसने। आपको तकलीफ पहुंची? आई एम सॉरी। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का या हर्ट करने का नहीं था। मैंने वही कहा जो सच है। आप गुस्से में हैं, आपका बीपी और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। गहरी लंबी सांसें लीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
हम सब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। इस बार मीरा में इमोशंस भी डाले गए हैं। तो आप क्या कहती हैं मिस मलिक? सर हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ। देखिए सर, इमोशंस डालना और खुद इमोशनल होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मीरा आखिरकार एक मशीन है। जब तक काम कर रही तब तक सुविधा, वरना बहुत बड़ी दुविधा। हमें नहीं लगता कि आप मीरा को अकेले छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अरे इसीलिए तो उनको यहाँ लाया गया है, आप लोगों के साथ काम करने के लिए। हमारे साथ काम करने, हमारी ही टीम को रिप्लेस करके। देखिए हसीना मलिक, मीरा मनुष्य जाति की भविष्य, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। भविष्य का तो पता नहीं सर, लेकिन हम आपकी सोच बदलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मशीन इंसान के साथ काम कर सकती है, लेकिन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारे लिए हमारी टीम ही हमारा फ्यूचर है, और हमारी टीम को सैक्रिफाइस करके कौन सा फ्यूचर, कैसा फ्यूचर। लेकिन फिर भी ऑर्डर्स हैं, ड्यूटी है, पूरी शिद्दत से निभाएंगे। लेकिन हम अपनी टीम को कुछ नहीं होने देंगे सर। देखिए हमें नहीं लगता हमें मीरा के बारे में इतना बुरा बुरा सोचना चाहिए। कितना बुरा? जितना कि हम सोच रहे हैं। देखिए पिछली बार तो पूरी मशीन थी, फिर भी हम सबसे कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी। अब की बार तो भावनाएं साथ लेकर आई हैं, मतलब भावनाएं हैं मतलब यादें हैं। अब यादें हैं तो वो कभी भी ताजा की जा सकती है ना। हम सब कुछ याद दिलाएंगे मीरा जी को हम। और देखिए ना, सोचिए तो जरा, ऊपर से वो भविष्य भी देखती है, वो भी बिना दान दक्षिणा लिए। हम याद दिलाएंगे। बाप रे बाप, पुष्पा जी। मीरा जी, मीरा जी, आप हमें कैसे भूल गए? याद है हम पुष्पा सिंह? चलो माफी मांगो हमसे। सॉरी कहो, सॉरी कहो। ये क्या कर रही हो? याद है आपको, आपने एक दिन हमें ऐसा गले में ऐसा कुछ किया था, हमारी आवाज चली गई थी 2-3 दिन के लिए, फिर हम ऐसी ऐसे बात कर रहे थे। ला, तीसरा तीसरा। नहीं नहीं, याद कर रही, याद कर रही है। मीरा जी हम क्या कह रहे हैं, आप तब तक सोचती रही हैं, मगर आपने कहा कि आप भविष्य भी देख सकती हैं, तो बताइए, बताइए ना, हमारा हाथ देकर बताइए, हमारे नसीब में हमारे लल्ला का छोटा लल्ला है या लल्ली है। बाप रे बाप, अब समझ में आया काहे मना रही थी। पुष्पा जी अब क्या कर रही है? काहे का काहे, आपने अगर कुछ किया होता ना तो आज हम हमारे पोते पोती के लिए तरस नहीं रहे होते ऐसे। तो ऑनलाइन कर दे क्या? हाँ, क्योंकि जब से ब्याह कराए हैं आपके, आपके जो लल्ला है वो हमें सिर्फ ऑनलाइन ही दिखे हैं, ऑनलाइन बन जाए। वेरी बैड जोक, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। खैर बिल्ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें स्टॉल संभालने के लिए कहा था ना, जाओ। ना, मैं स्टॉल नहीं संभालूंगा, बच्चे चॉकलेट वेफर की जगह मुझ पर रिंग फेंक रहे। बकैती बंद करो, बच्चों ने तो हमें भी लूट लिया, अब क्या बताएं। चलो चलो हमारे साथ। क्या ही? हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की जान खतरे में है, हर लाइफ इज इन डेंजर। कब बोल रहे हो, ये सच है क्या? मेरे को कह दो ये झूठ। मैडम सर देखिए ना क्या बोल रही है, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, इट्स माय ऑर्डर। बस ना यार, कितना फैल रहा है तुम बिलौटे ना, कौन है? भाग्य विधाता है, जो ही कह देंगे वही हो जाएगा। जरूर होगा, होकर रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर है और इसे कोई नहीं बदल सकता। एक शो के दौरान एक जोकर हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पर जानलेवा हमला करेगा, और ये होकर रहेगा क्योंकि यही होना है। और तुमको तुम्हारा फ्यूचर पता है? हम बताएं? अभी 2 मिनट में तुम्हें यहाँ लेटा के, तुम पे रोड रोलर चढ़वा के ना, तुम्हें टीन का चादर बना के कल्लू कबाड़ी के यहाँ बेचने वाले हम, ये पता है तुमको? करिश्मा सिंह प्लीज संभालिए अपने आप को,
मीरा का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ इसीलिए भेजा गया है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है, उसका प्रिडिक्शन गलत नहीं हो सकता। और ये सवाल पुष्पा जी की जिंदगी का है, सो प्लीज काम डाउन। मीरा, क्या कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का? टेक्निकली नहीं। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। एक बात बताओ, क्या तुम उस हमलावर को पहचान सकती हो? बिल्कुल पहचान सकती हूँ, उसका फेस और बॉडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेरे सिस्टम में फीड हो चुका है। जैसे ही मेरे सामने आएगा ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ओके गुड, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सबसे पहले हमें उस हमलावर को ढूंढना होगा, लेकिन जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक प्लीज पुष्पा जी को कोई भी कुछ नहीं बताएगा। हम नहीं चाहते कि वो खामखा पैनिक हो जाए। ओके, क्या नहीं बताना है पुष्पा जी को भाई, जरा हमें भी तो बताओ। पुष्पा जी, अब आपने सुन ही लिया है तो फिर मंत्री जी आने वाले हैं हमारे शहर में और वो सारे थानों का मुआयना करेंगे, हर जगह विजिट करेंगे, तो हमारे थाने भी आने वाले हैं। हमने सोचा कि आप क्यों ना उनका स्वागत करें खुद अपने हाथों से। हम हाँ, करेंगे ना हम स्वागत, बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। मैडम सर, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा हमारा अभिनय का, नहीं 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 मतलब नहीं, नॉर्मल स्वागत भी चलेगा। अच्छा, मगर कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ना। हाँ, वो हमें पहचानेंगे कैसे फिर? जाइए जाइए जाइए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुष्पा जी जैसी नेक दिल और सीधी सादी औरत के साथ कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है और क्यों। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस अनहोनी को रोकना ही होगा। रोकेंगे मैडम सर, जरूर रोकेंगे। उस टोपा इंसान को हम ऐसा सर्कस कराएंगे ना कि फिर कभी किसी बुजुर्ग या किसी महिला को मारने से पहले वो अपना अपना बैसाखी और अपना भीख मांगने वाला कटोरा याद करेगा। करिश्मा सिंह, आप अपने हस्बैंड से बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या कोई ऐसा है जो पुष्पा जी का या पुष्पा जी के हस्बैंड का दुश्मन हो सकता है, या इस मामले से रिलेटेड कोई भी ऐसी जरूरी इन्फॉर्मेशन पता लगाइए। और हाँ, मीरा को साथ ले जाइएगा। नहीं मैडम सर, हम अकेले काफी है, हम नहीं लेके जाएंगे किसी डब्बे कनस्तर को। करिश्मा सिंह, मीरा आपके काम ही आएगी, उसे साथ ले जाइए, बेहतर होगा। चीता, पुष्पा जी का ध्यान रखो। नहीं मैडम सर। यकीन नहीं हो रहा है। क्या पुष्पा जी? नहीं, मैं नहीं जी पाऊंगा मां के बिना। ना बिल्ले, या तुम्हारा बातों की दम सही है, अम्मा का ना कमी बिल्कुल भी फील नहीं होने देती है। अभी सब सुन के ना यार एकदम दिल बैठा जा रहा है भाई। ऐसे कैसे, मतलब छूटता पेड़ लाला के पापा सब मिस करूंगा। सच बोल यार, तुमको सच में उनका फिकर है कि मजाक उड़ा रहा है? सच बोल। जिसने इसको भेजा है पटाक से उठा लो। सीरियस है, सीरियस है। आता तो कुछ है नहीं। माँ, माँ, आओ बैठो, बैठो माँ, बैठो माँ। एक जहर पिलाओ। एक सेकंड, इधर आओ, इधर इधर आ बिल्ला, इधर आ। क्या हुआ? पुष्पा जी, एक ना एक एक फोटो हमारे साथ आइए। सेल्फी? हाँ सेल्फी। और एक सिंगल भी ले लो। कह रहे समाज आगे जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ? नहीं, अरे जहर वाले बाबा, जहर पिलाओ ना। माँ क्या खाओगी? प्याज के पकोड़े, समोसे? समोसे, समोसे ला, मेरे खाते में लिखना, चल। ये लीजिए पुष्पा जी, बदनाम स्पेशल चाय। बढ़िया। एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज इन लोग तुम्हें इतना मक्खन क्यों लगा जा रहा है? हमें सब पता है। माँ कहते हो ना हमें, तो अपनी माँ से कुछ छुपेगा? नहीं, क्या है ना, मंत्री जी आ रहे हैं ना, तो ये दोनों भी हमारे साथ उनका स्वागत फूल माला पहनाकर करना चाहते हैं। ओह, ताकि हम मैडम सर से बात करें। हाँ, यही यही बात है माँ, बस। और कोई बात सोचते ही नहीं है, यही बात है माँ, बस। अरे मीरा जी, आप हमारे भविष्य देखने वाली थी ना, बताइए ना क्या देखा आपने हमारे भविष्य में? वैसे हमारी की इच्छा है रिटायर होने से पहले एक केस, सिर्फ एक केस अपने बलबूते पर सुलझाना चाहते हैं। क्या हम सुलझाएंगे? हाँ, क्या हम हमारे लल्ला के लल्ला से ऐसे खेल पाएंगे? हाँ, क्या हम मैडम सर की शादी में
ऐसे नाच पाएंगे? हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, आपको चाकुओं से और गोल चीजों से दूर रहना चाहिए। मीरा जी, जी लगाइए। हाँ, जी रखिए, सीरियसली लिया है। हमें चलना है। अरे कहाँ लेके जा रही है? वो हमें हमारे भविष्य बता रही है ना। मैडम सर का ऑर्डर है। मीरा जी हमें लेट हो रहा है, हमें निकलना है, मैडम सर ने कहा था। ओके जीते, ध्यान रखना। वही रख रहे, वही रख रहे। यहाँ से गुलशन चांदनी रोड शुरू होती है जहाँ पे मुझे किसी भी सर्कस का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। बसंतपुरा का क्षेत्र, वहाँ उस इलाके में जाते हैं। रॉन्ग एफर्ट, मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वहाँ पे भी कोई सर्कस नहीं है। सर्कस हमारे पास बैठा है तो फिर कहाँ और सर्कस कहाँ दिखेगा? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। आप जानती है ना, मेरा सिस्टम जीरो फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन सकता है। अगर आप अपने मन में भी मुझे कोई गाली देंगी तो मैं वो भी सुन पाऊंगी। इतना तुम एडवांस टेक्नोलॉजी हो, इतना तुम सब कुछ पता कर लेती हो तो हमको धक्के काहे खिला रही हो इधर उधर? एक बार मैं लखनऊ शहर स्कैन नहीं कर सकती हूँ क्या तुम? त्रिकाल देवी जी? त्रिकाल देवी जी नहीं, मीरा जी। और लखनऊ सिटी 631 स्क्वायर किलोमीटर्स में बसा हुआ एक बहुत ही ह्यूज शहर है। मेरा सिस्टम सिर्फ 1 किलोमीटर तक की फ्रीक्वेंसी कैच करता है, मतलब कि मैं सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में होने वाली एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो तुम्हारा टेक्निकल टोपोग्राफी है ये 1 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद फुस? अगर फुस से आपका मतलब है मेरी टेक्निकल लिमिटेशन तो आप कह सकती हैं फुस। नहीं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी कोई सर्कस नहीं है, सीधा चलिए। अभी मार्केट एरिया है, वहां जाना पड़ेगा। ओके ओके। जोकर, मैं किसी जोकर वोकर को नहीं जानता। झूठ। मैं बिल्कुल बहुत सच बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, अब इतना ही सच बोल रहे हो तो हमको देखिए भागे काहे? हाँ, काहे भागे? मैडम मैं घबरा गया था। बचपन में मेरी माँ मुझे डराती थी, कहती थी अगर तू सोएगा नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर तू खाएगा नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और अगर तू पढ़ेगा नहीं तो भी तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस का डर ऐसा मेरे दिल में बैठ गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या भी पुलिस देखता हूँ बस भागने लगता हूँ। ऐसी भागो और कटो। और सुनो, पुलिस डराने का चीज नहीं है, डर भगाने का चीज है। बताओ माओ ने क्या हुआ बना रखा है बच्चों के दिलों में? हाँ, अब बच्चों को डराने के लिए पुलिस काम आ रही है, और कोई काम नहीं रह गया है पुलिस को, पूरी छवि का रास्ता बना के रख दिया है। और तुम तो पूरा स्कैन कर लेती हो ना, तो फिर काहे नहीं बताया कि ये जोकर को नहीं जानता है? हमने आपको पहले ही बताया था कि मैं 1 किलोमीटर तक पूरा एरिया स्कैन कर सकती हूँ, अगर कोई सस्पेक्ट होता तो मैं आपको पहले ही बता देती, पर आपको अपना टाइम खुद वेस्ट करना था। मुझे लगता है कि इस बार खुश आप है। एक्सक्यूज मी मदर, हाय, ये लीजिए डोनेशन। थैंक यू बेटा। मदर, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? यस प्लीज। सपोज अगर ऐसा कुछ हो कि कोई फ्यूचर देख सके, आने वाला कल देख सके, और उस कल में कोई अनहोनी देख ले, किसी की मौत देख ले, तो क्या करना चाहिए? जानती हो ऊपर वाला हमसे हमारा कल क्यों छुपाता है? क्योंकि अगर पहले से ही हमें सब पता होगा तो पाने का सुख, खोने का दुख, जीतने का मजा और हारने की सीख कैसे मिलेगी? वो हमारा कल इसलिए छुपाता है क्योंकि हम उसे आज बेहतर बनाने की कोशिश करें, और वही कोशिश उसकी नेमतों के काबिल बनाती है और सही मायने में बेहतर इंसान बनाती है। तो क्या फ्यूचर बदला जा सकता है? ओ माय चाइल्ड, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन हाँ उसका लिखा सिर्फ वही मिटा सकता है और कोई नहीं। ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन हाँ उसका लिखा सिर्फ वही मिटा सकता है और कोई नहीं। जॉर्ज, ये बक्सा। मदर, कबर्ड की चाबी मिलेगी? मुझे मेरा छाता लेना है। इस मौसम में? मदर मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए सोचा प्रिकॉशन के लिए छाता ले लेता हूँ। ये लो बेटा,
मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। बारिश रोकी नहीं जा सकती, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लिए जा सकते हैं। वैसे ही फ्यूचर बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी समस्या से लड़ने के लिए रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। सुनिए ना, एक फोटो खींचेंगे हमारे। एक मक्खी तक नहीं आई हमारे स्टॉल पर। क्या पुष्पा जी, क्यों परेशान हो रही हैं? हमें देखिए, सुबह से हमारी दुकान से इनका नहीं बिका है, कभी कुछ नहीं बिकता है, लेकिन हम हिम्मत हारे लगे हुए। तुमको तो इस सब की आदत है ना, हमें नहीं है। जब से हमारा स्टॉल लगाए बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली थी हमें। अब देखो क्या है, कब से देख रहे हो हमारी तरफ ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो जैसे आखिरी बार देख रहे हो। क्या बात है, क्या हुआ है, कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों? अरे हम तो आपके जाने की बात सोच रहे हैं। हम दोनों? बोल। जाना तो है। ए? एक दिन सबको जाना है माँ। बात तो सही है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये खेल सकते हैं क्या? हाँ हाँ खेल सकते हैं ना, ये लीजिए 20 रुपए। माँ माँ मैं खिलाता हूँ इनको 20 रुपए। ऐसा करो बिल्ले तुम खिलाओ, हम जरा जूस पी कर आते हैं। देखते देखते जूस। एक मिनट पुष्पा जी, अरे पूरा दुकान छोड़ कर ऐसे कैसे जूस पीने चली जाइएगा आप? अरे आपका जरूरत है यहाँ पर भाई, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ। पर क्यों? माँ चोरी हो सकती है ना बिल्ले। अरे तुम्हारे होते हुए कोई कैसे चोरी कर सकता है, तुम इतने बड़े चोर थे तो तुम्हारी पारखी नजर है ना, तुम यूं पकड़ लोगे। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा, अरे हाँ मंत्री जी आने वाले हैं ना, हमारी लिपस्टिक कम हो गई है, हम जरा लिपस्टिक लगा कर आते हैं। ठीक है, हटो हटो। मंत्री जी आ रहे, नवाब साहब आ रहे हैं। बाहर कोई और बैठा है तुम्हारी माँ का स्वागत करने के लिए। बात क्यों नहीं समझ रही है तुम्हारी माँ? क्योंकि मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी। अरे ओलंपिक गेम है, सब जीत गए तुम। हाँ हाँ जीत तो गए, ये भी जीत लिए हो। हाँ हाँ जीता है हमने। समझाओ जीता, ये जीता है। बतियाओ बतियाओ इनसे। हाँ, जीते हो कैसे? हाँ, ये सारे रिंग तुमने डाले हैं? बिल्कुल डाले हैं, नियम के हिसाब से खेलते हैं हम। नियम कौन सा नियम, चीटिंग किया है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। मैं भी खेलूंगा। देखो ये देखो, ये गया गया, अभी ये मेरा हो गया। क्या है, दिमाग भी साफ हो गया है क्या आपका? चलिए दिमाग साफ हो गया। हाँ जीता, तुम जीता। ओए बकवास, दो इसको, ये जीता है। मेरा है। अरे मेरा छोड़ दे, मेरा गांव, मेरा सॉस। रुक ना यार, रुक जाओ, ये ले 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 ले, ये भी ले, तुमको चाहिए ना ये सब लेके। साबुन नहीं, एक मिनट, एक साबुन का क्या करेगा तुम? साबुन का क्या करेगा? रोटी में लपेट के या चावल में सान के साबुन खा लो फिर भी तुम सेव रहेगा, शकल नहीं बदलने वाला तुम्हारा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आप लोग क्या देख रहे हैं, हटो यहाँ से। जाइए मैडम, जाइए अपना काम कीजिए। बदनाम, अपना काम हमें क्यों देते हो तुम? भाई बिजनेस पार्टनर हो तुम। हाँ इसीलिए गए थे, पुष्पा जी थी नहीं, चाय रख के चले आए। एक मिनट, भीतर पुष्पा जी नहीं है? नहीं, मेरी प्यारी माँ। बिल्ले नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, पुष्पा जी का फोन नहीं लग रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मेरी भोली माँ। करिश्मा मैडम बोली थी कि पुष्पा जी का ख्याल रखना, अब फोन लगा। किसका फोन आ रहा है? तो तुम्हारा बिना बेवक्त सुर लगता है, बोलो
पुष्पा जी ना बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कुछ भी बताए पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं। इधर सब जगह हम ढूंढे, थाना देख लिए, सब जगह छान मारे, उनका नाम कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मैडम जीते तुम ना, तुमको कोई काम देना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक काम कहा था कि पुष्पा जी पे नजर रखना है, उनका ध्यान रखना है, तुमसे वो नहीं हुआ। मैडम नजर रखे थे हम, बोली कि हमको लिपस्टिक लगाना है, थाना के अंदर गई और हम यहाँ पर बाहर थे, वो बिल्ला का एक झगड़ा हो गया था, उसी को सुलझाने लगे हम। अम्मा क्या बोल रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि पुष्पा जी लिपस्टिक ठीक करने गई थी और इधर बिल्लू का झगड़ा हो रहा था, तो एक साथ दोनों प्रॉब्लम टैकल करना मुश्किल था उनके लिए, इसलिए पुष्पा जी कहीं निकल गई। सुनाई आ रहा है, हम सुन सकते हैं। तो फिर बार बार क्या क्या क्यों कर रही है, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। हम कहा करें, क्यों करें, कैसे करें, हमारी मर्जी। तुमको बोला हमने बीच में टांगन आने के लिए। हाँ, और आज क्या डे है? मंडे को वो जाती है, सोमवार को जाती है ना मंदिर में दर्शन करने। चीते तो एक काम करो, वहाँ जाके ढूंढो और आसपास के लोगों को पूछो कि उन्होंने पुष्पा जी जैसे हुलिया वाली औरत को कहीं देखा है क्या, और मैडम सर को फटाक से इन्फॉर्म करो। ठीक है, हम भी निकल रहे हैं उनको ढूंढने। ठीक है मैडम, ढूंढते। हम कहाँ जा रहे हैं? सुना ना, अब ये सुनाई नहीं आया कि पुष्पा जी गायब हो गई, उनको ढूंढने जाना है। पर हमें तो जोकर को ढूंढना है, अभी वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। टास्क क्या भाड़ में, सबसे पहले हम पुष्पा जी को ढूंढेंगे। पर हसीना मैडम के ऑर्डर है कि हमें जोकर को ढूंढना है, हमें पहले उसे ढूंढना चाहिए। मीरा तुमको पता है पुष्पा जी क्या है हमारे लिए? अम्मा माँ से बढ़कर है, उनमें जान बसती है हमारी, उनके लिए हम पूरा सृष्टि फूंक सकते हैं, ये ऑर्डर तो कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारी जैसी निर्जीव, तुम्हारी जैसी ये मशीन, ये चीज नहीं समझ पाएंगे कभी। इसलिए तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन हम सबसे पहले पुष्पा जी को ढूंढने जाएंगे, समझी? तुमको जाना है तो तुम जाओ सबसे पहले पुष्पा जी, फिर बाद में सब कुछ। और हाँ, मैडम सर के ऑर्डर्स है कि पुष्पा जी का ध्यान रखना है, उनकी जान खतरे में है, अगर आज उनको कुछ भी होता है तो ये उनके ऑर्डर का उल्लंघन होगा। ओके, तो फिर हमें हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह को ढूंढना चाहिए। चलिए उनकी तलाश करते हैं। क्या? हाँ मैडम सर, उसके बाद से नहीं, कहीं पर नहीं मिल रही है, सब जगह देखे। उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है चीता, आसपास जाकर देखो, वो होंगी कहीं ना कहीं। जी मैडम सर, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, फोटो खींचेंगे हमारी। ये सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा मीरा ने दिखाया था कि पुष्पा जी की मौत सर्कस व्हील पे चाकू लगने से होगी। पुष्पा जी, ठीक है पुष्पा जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको वहाँ थाने में कुछ काम दिया था ना, हमने आपको वहाँ पर, अब बिना परमिशन के यहाँ पर आई कैसे? मैडम सर, आप पहले शांत हो जाइए। आपको भी पता है हमने आज तक आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज कैसे करते? आप वो डोनेशन का बॉक्स यहाँ पे लेके आई ना, मगर उसकी चाबी आप वहीं भूल गई थी, इसलिए हम चाबी लेकर आए ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो वो बक्सा खोलने के लिए। अब हाँ नहीं, अच्छा कि आपने पुष्पा जी, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप हमें फोन करेंगी, हमें बताएंगी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। क्यों? नहीं, मतलब करेंगे जैसा आप कह रही हैं वैसा, मगर चले चाबी दे दे। हाँ हाँ, इसी बहाने मदर मार्था से हम मिलेंगे। हाँ चलिए चलिए, आप चलिए। नहीं आप आगे चलिए, आप चलिए आगे, चलिए इस तरफ, यहाँ है। हाँ हद होता है चीते, हद होता है। तुम्हें एक काम दिया था, मैं बोला था कि पुष्पा जी के आसपास रहना, उन पे नजर रखना, उनसे नजर नहीं हटना चाहिए, खास करके इस समय पे जब उन पे खतरा है। क्या बात कर रही हो? वो ये कह रही हैं कि पुष्पा जी को इस समय अकेले कैसे छोड़ दिया जबकि इस समय उनकी जान को खतरा है। क्या बकैती चल रहा है ये? पुष्पा जी कहाँ है? हाँ कौन? बाप रे बाप, पुष्पा जी हर बार कैसे चौंका देती है। आप ठीक तो है?
अरे क्या हुआ? आप ठीक है ना? दिख रहा है ना हम ठीक है? क्या हुआ? ये ठीक है, नो फिजिकल इंजरी, नो वुंड, शी इज मेंटली फिजिकली एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ओहो, अब ये सुन सुन के ना हम पक गए। चल क्या रहा है यहाँ? नहीं नहीं पुष्पा जी, क्या हुआ कि आप बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए ऐसे ही अचानक से निकल कर चली गई ना, तो वही हम लोग डर गए कि पता नहीं आप जहाँ पर भी रहिएगा ठीक से रहिएगा कि नहीं। हाँ, ऊपर से ही नरकंकाल, ये हम लोग को और डरा दिया कि माँ अकेले निकल गई है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, अकेले चली गई है क्या? बाप रे, कैसे रहे का? हमें समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत क्या है। नहीं, हम देख रहे हैं कि कोई भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है, दो मिनट के लिए भी। उनके छोटे बच्चे हैं, जो बाहर अकेले जाएंगे तो कहीं खो जाएंगे। क्या चल रहा है ये, क्या चक्कर है ये बताइए हमें मैडम सर, बताइए, बताओ क्या चक्कर है ये? चीते, चक्कर ये है कि चक्कर ये है कि हम ही ने इन सब से, इन सब को कहा है कि क्रिसमस से लेके 31st तक सब लोग ड्यूटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहेंगे। हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली कहा है इसीलिए। और आपका ठेला, आपका स्टॉल भी तो है ना जो आप संभाल रही हैं, बच्चों को एक इस तरीके से इतने अच्छे से सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं पुष्पा जी। हाँ, तो इसलिए जब आप अचानक से अपना ठेला स्टॉल छोड़कर चली गई तो ये सब बौखला गए कि अब आप नहीं है तो स्टॉल कौन संभाले। हाँ 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 पुष्पा जी, हाँ हाँ, आपका इतना सुंदर स्टॉल पर ही नरपिशाच खड़ा था, बच्चा सब इसको देख के डर के भाग जा रहा था सब। बच्चों को हमसे बहुत खास लगाव है, उनकी पसंदीदा दीदी जो ठहरे। रॉन्ग कैलकुलेशन, दीदी नहीं, राइट कैलकुलेशन, दादी। चलिए पुष्पा जी, आपको अपना स्टॉल संभालना है, प्लीज प्लीज संभालिए। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, किसको खेलना है? करिश्मा सिंह, आप ठीक है? हम ठीक है। इट्स ओके, हम सब जानते हैं कि आप पुष्पा जी से कितना प्यार करती हैं। मेरे सिस्टम में प्यार का ये तरीका नॉट राइट, इनकी आंखों में आंसू है। तो रोते तब हैं जब दुखी होते हैं, जब प्यार करते हैं तो चेहरे पे स्माइल होती है। Humans are still complicated. तुम्हारी तो करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, देखिए ना, ये हमको ये टीन का डब्बा हमको भावनाएं सिखाएगी। हाँ, जिसके लिए भावनाएं खुद एक फोन के इमोजी की तरह है। रॉन्ग, I know emotions. मैया की सासू मैया तू। करिश्मा सिंह, प्लीज calm down. हमारे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर हमें फोकस करना है। आप नहीं जानती हैं कि वहाँ अनाथालय में क्या हुआ था। दरअसल वहाँ पर नहीं नहीं, हमको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पुष्पा जी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता उन्हें। ये पूरा दिन हमको घुमा रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। जोकर क्या, जोकर का टोपी तक नहीं मिला है हमको, कहाँ है? हाँ, ये इसकी भविष्यवाणी सब गलत है, ये कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पुष्पा जी। जरूर होगा और होकर रहेगा और उसे कोई नहीं बदल सकता, पर उससे बचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आपको अपनी एनर्जी इस समय मुझे कोसने के बजाय विक्टिम को बचाने की कोशिश में लगानी चाहिए। हम और टीम के डब्बे, तुमने उनको आज ही मरोगे क्या? तुमने विक्टिम कहा ना उनको, तो देख लेना। हम आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एक मिनट। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं, हमने एक जरूरी सूचना देने के लिए फोन किया था। हाँ सर, कही। डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है पुलिस फ्रेंडली डे उत्सव मनाया जाएगा और उसमें मदर ब्लेस ऑर्फनेज चुना गया है और ऑर्फनेज के सभी बच्चों के लिए, जानती हैं आप, मैजिक शो का आयोजन भी किया गया है। अरे मिस मलिक, अरे भाई सुन रही हैं आप? हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। अरे सब ठीक तो है ना? हाँ सर, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मीरा ने कुछ प्रेडिक्शन किया था थाने के बारे में और उस प्रेडिक्शन ने सबको थोड़ा सा डरा दिया है, इसलिए अब सब थोड़े से परेशान हैं। अच्छा, क्या क्या प्रेडिक्ट किया मीरा ने? प्रेडिक्शन ये है कि यही बात है सर।
अरे तो हसीना मलिक जी, ये तो अच्छा है ना कि अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर हमें पहले ही पता चल गया तो हम बुरा होने से रोक सकते हैं ना। अरे भाई यही तो फायदा है ना मीरा जी जैसे एडवांस तकनीक का। रोकिए उस जोकर को और बदल डालिए भविष्य को। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पुष्पा जी का उस मैजिक शो में जाना खतरे से खाली नहीं है सर। तो ठीक है, पुष्पा जी को मत लाइए, आप और आपका स्टाफ आ जाएगा। और सुनिए, आप और आपका स्टाफ सही समय पे पहुंच जाए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। क्या बोले मैडम सर, क्या हुआ? मदरलेस ऑर्फनेज में मैजिक शो रखा है डिपार्टमेंट ने पुलिस फ्रेंडली डे के ओकेजन पर, और हम सबको जाना है। मैंने कहा था मैंने फ्यूचर देखा है, और जो मैंने देखा है वो जरूर होगा, कोई भी उसे बदल नहीं सकता, और इसी पुलिस फंक्शन में होगा, इसी मैजिक शो में होगा। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पे कोई जोकर चाकू चलाएगा। कौन किसी चाकू मार रहा है भाई? हर बार कैसे आप चौंका देती हैं पुष्पा जी, बताइए ना। नहीं पुष्पा जी, क्या है ना कि एक मैजिक शो हो रहा है, और उस कार्यक्रम के लिए ना पूरा महिला पुलिस थाना जो है हम लोग को आमंत्रण आया है, तो हम लोग को वहां पर जाना है। तो बस वही बात चल रहा था कि मैजिक शो में भी कैसा कैसा कलाकार होता है सब। आंख पर इसे पट्टी बांध के एकदम चाकू से निशाना लगाता है, सोरा मजाल मजाल की निशाना चूक जाए, सारा निशाना एकदम सटीक जगह पर लगता है। तो वही बात, मैजिक शो में बुलाएं हम सबको, हम भी आएंगे। हमें मैजिक शो इतना पसंद है ना कि क्या बताएं। मैडम से पता है आपको, जब हम छोटे थे ना पूरे शहर के सारे मैजिक शोज हम देखते थे, एक भी कभी छोड़ा नहीं हमने। नहीं नहीं, आप मैजिक शो नहीं जा सकती हैं, थाने का कामकाज संभालिए आप, ठीक है? आप कहीं नहीं जा रही हैं। हम जाएंगे, पूरे थाने से आपको बुलाया है ना, हम भी जाएंगे। नहीं जा सकती हैं, हम आपके यहाँ पे सीनियर हैं और आप हमारा ऑर्डर फॉलो करेंगी, ये हमारा ऑर्डर है, आप थाने में रहेंगी बस। हाँ हाँ, हम आपके सीनियर हैं, आप शायद भूल रही हैं कि आपके भी सीनियर यहाँ खड़ी है। इस शो को देखने के लिए कौन जाएगा कौन नहीं ये मैडम से तय करेगी। मैडम सर हमें भी जाना है, बताइए ना मैडम सर हम। हाँ आप चलेंगी, आप चलेंगी पुष्पा जी, आपके बिना हमारी टीम अधूरी है। देखा देखा ये होता है सीनियर, कैसी पूरी टीम को साथ रखता है। पुष्पा जी आप। जी मैडम। आप बाहर जाइए ना, बच्चों का जो वो खिलौनों वाला स्टॉल है उसे संभालिए प्लीज। हाँ आज वैसे भी बच्चों ने हमें बहुत लूटा है, शुक्रिया मैडम सर। कहाँ है मैडम सर? आपने कहे उनको बोला कि वो हमारे साथ आ सकती है? आपको पता है वहाँ पे उनको खतरा हो सकता है। करिश्मा सिंह आप नहीं जानती हैं पुष्पा जी को, अगर उन्हें पता चलेगा कि हम सब जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें अकेला छोड़ दिया है, वो जमीन आसमान एक कर देंगी इसके पीछे की वजह जानने में। आप जानती हैं उन्हें बहुत अच्छे से, हम उन्हें उस शो में जाने से रोकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा। पुष्पा जी को हम उस शो से दूर रखेंगे किसी भी कीमत पर। जी जी सर जी, जय। ठीक है ठीक है मैडम सर। हाँ हमने पता किया, हमने लल्ला से भी पूछा, लेकिन कोई ऐसा दुश्मनी या प्रतिशोध वाला एंगल निकल कर नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि कौन है ये जोकर जो पुष्पा जी के पीछे पड़ा हुआ, उनको मारना चाहता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। करिश्मा सिंह देखिए, अब जो कुछ भी है, ये जो पुलिस फ्रेंडली डे का जो सेलिब्रेशन है इस ऑर्फनेज में, इसको तो हम टाल नहीं सकते, हमें जाना ही होगा। और हमें 100% यकीन है कि ये जोकर इसी सेलिब्रेशन में आएगा एक मजिशियन की टीम का हिस्सा बनके। बस हमें उसे ढूंढना है, उसे रोकना है और वजह पता लगानी है कि वो ये सब कर क्यों रहा है, और उम्मीद करनी है कि उसे हमारे प्लान की भनक नहीं पड़ेगी। मीरा तुम क्या कर रही हो? चार्जिंग मैडम सर। मैडम सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां पे जाएंगी तो जोकर उन पे हमला जरूर करेगा। हम आओ टीम का डब्बा, पुष्पा जी वहां पे नहीं जाएंगी। ये पता है हम सबको बात कि वो वहां जाएगी तो उनकी जान को खतरा, तो हम उनको वहां ले जाने की मूर्खता काहे करेंगे? मूर्ख तुम हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ के तुम हमारी बात को, पुष्पा जी वहां नहीं जाएंगी। ये समय इमोशनल होने का नहीं है, मौके का फायदा उठाने का है। अगर हमें पुष्पा सिंह को इस फ्यूचर थ्रेट से बचाना है तो हमें उनका इस्तेमाल करना ही होगा। इस्तेमाल इस्तेमाल तुम्हारी बेजान दुनिया में यूज होता होगा, बहुत उपयोगी शब्द होगा, लेकिन हमारी दुनिया में इस्तेमाल शब्द का मतलब होता है धोखा, चालबाजी, और माँ के साथ ऐसा चालबाजी हम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं जाएगी। लेकिन तुम ये टीन का डब्बा, तुम बेजान, तुम कैसे समझोगी इस बात को? शायद, पर मैं इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में फर्क अच्छी तरह से समझती हूँ, और इस समय मुझे आप इमोशनल फूल लग रही हैं।
तुम्हारी मैया के साथ। करिश्मा सिंह, प्लीज प्लीज एवरीबॉडी प्लीज काम डाउन। हम सब यहाँ एक ही टीम में हैं, हम सबका मकसद एक है और वो है पुष्पा जी की जान बचाना। इसलिए प्लीज करिश्मा सिंह काम डाउन। मशीन आप क्यों इतना परेशान हो रही है? हो गया सब तैयारी होगी, बच्चों के लिए तोहफे भी रख दिए सब एकदम। चलिए चलिए देर हो रही है, चलिए चलिए। अब आपको क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? चलिए ना। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि सभी जा रहे हैं ना फंक्शन में, तो पीछे थाना संभालने के लिए आप तो लोग आए नहीं। मैं जाकर वापस भी आ गई। ह्यूमंस आर स्टिल स्लो। बाप रे बाप बे। आप सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, अब हमारे ही दिमाग से बात निकल गई। किसी को तो रुकना होगा ना अब यहाँ थाना संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल, और पुष्पा जी तो सबसे सीनियर है यहाँ पे, तो हमारे विचार में शायद पुष्पा जी रुक जाएंगी तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम जाएंगे। मैडम सर, हमें मैजिक शो देखना है, हम जाएंगे हम जाएंगे। हम रुक जाते, आप लोग जाइए मैजिक शो, हम रुकते। मैडम सर, इस बार जाना है या नहीं जाना है? तुम चार्जिंग पे लगो। ओके। हम क्या कह रहे हैं पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? इतना अच्छा मौका अपने हाथ से खाए गवा रही हैं आप। अगर आप यहाँ थाने में रुकती है तो थाने में जो भी केस आएगा वो तो आप सॉल्व करेंगे ना अकेले ना। यही सपना था ना आपका कि आपको रिटायरमेंट से पहले एक केस सॉल्व करना है खुद के दम पे ना। मतलब एक बार बताइए, आप क्या ये हेड कांस्टेबल बन के रिटायर होना चाहते हैं या फिर SHO बन के रिटायर होना चाहते हैं? ये तो सोचिए, आप सोचिए, अपना सुनहरे भविष्य के बारे में सोचिए पुष्पा जी। हम रुकेंगे। बहुत बढ़िया, सब सुन लिया मैंने। बहुत बढ़िया। ओके, पक्का? हाँ पक्का पक्का। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब जाना है या नहीं जाना है? हाँ हाँ चलना है, चलिए। ध्यान रखना अपना। हाँ क्या रखिएगा पुष्पा जी, हम रुक तो गए हैं मगर इतनी भी कौन सी मुसीबत आने वाली है? अगर हम कुछ देर के लिए मैजिक शो देखकर आ भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जादू देखकर आ भी जाएंगे। ओके ठीक है, शो अभी शुरू नहीं हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी मजिशियंस की टीम है उनके जोकर के बारे में हमें पता लगाना है, समझ गए? अरे मीरा कहाँ गई? पता ना। मीरा? ये बाप रे बाप जी, आज आप भी जादूगर हैं क्या जी? नो। तुम कहाँ चली गई थी? मैडम सर, मैंने स्टोर रूम, स्टाफ रूम, बैक एरिया और कॉरिडोर सब चेक कर लिया है, नो जोकर फाउंड। अभी 13 कमरे और 2 हॉल और बचे हैं, आप कहें तो मैं 1 मिनट 22 सेकंड में उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। ऑन योर ऑर्डर्स। नहीं नहीं, नो 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 ऑर्डर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम नहीं चाहते किसी को भनक भी पड़े कि पुलिस की टीम में एक मशीन साथ में है और वो भी ऐसी मशीन जो फ्यूचर देख सकती है, इसलिए प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी और यही ऑर्डर है, क्लियर? ओके ओके, चलिए इस जोकर को ढूंढते हैं, लेट्स गो। My name is Zoro. I am the best magician. He is lying. He is not the best. In fact, he is an average performer. जो ये कर रहे हैं वो magic नहीं, tricks हैं, जो कि आप में से कोई भी बच्चा थोड़ी practice करके आसानी से कर सकता है। माफ कीजिएगा मैडम, मैं बहुत respect करता हूँ पुलिस की,
खासकर महिला पुलिस की, जिसे आप मामूली ट्रिक समझ रही है ना, पूरी उम्र निकल जाती है सीखने में, इतना आसान नहीं है सब। मेरे लिए है, क्योंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट और सुपर एडवांस्ड हूँ। ऐसा है तो मेरा सामान रखा हुआ है, मेरे से आप अच्छा जादू करके दिखाइए। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ। इस पानी का कलर क्या है? अब इस पानी का कलर मैं आपको व्हाइट करके दिखाऊंगी। ये पानी का ग्लास, ये खाली ग्लास। पानी का कलर व्हाइट। अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाती हूँ। ये दोनों डब्बे खोल के देखिए। क्या इसमें कुछ है? बंद कर दीजिए। आबरा कडाबरा गिली गिली छू। अब आप दोनों उस बॉक्स को खोलिए और आप उस बॉक्स को खोलिए। You are under arrest. मैडम, हम ले आए जोकर। अरे, कब से अंदर बंद करके रखे थे? कब शो शुरू होगा? हो क्या रहा है? पुलिस क्यों आई है? बस किसी तरह एक केस आ जाए और उसे हम अपने बलबूते पर सुलझा के दिखा दें, तो फिर हम अपने पोते पोतियों से कह सकेंगे कि ये तुम्हारी पू दादी जो है, उसने जिंदगी भर अपनी ड्यूटी पर सिर्फ डंडे नहीं घुमाए, केस भी सुलझाए हैं। सुन भी रहे हो हमारी बात? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मुझे कॉल आ रहा है। तो उठा। नेचर कॉल है। पेट में भूचाल। तो जाओ ना। हाँ, मैं चला गया और माँ कल की तरह बिना बताए चली गई। तो नहीं, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगी ना माँ। पगला गए हो तुम? हम क्यों जाएंगे कहीं भी मुंह उठा के? अरे, हमारे जाते कोई केस वेस आ गया तो? जाओ, जाके आओ। हाँ, जाओ। हाँ, प्लीज। लगता है केस आ गया। महिला पुलिस थाना सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? रिपोर्ट लिखानी है ना? नहीं तो फिर क्या? क्या क्या काम क्या है आपका? मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं आप? मैं नंदन जनरल स्टोर से हूँ, मुझे ये चाकू इस पते पर डिलीवर करने हैं। जाओ भाई, बाहर जाके किसी से पूछो। जाओ ना। शिव जी, क्या है ये? बस एक केस दे दीजिए ना, आपकी बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी। और कल तो बात हो गई थी ना हमारी आपसे, तो फिर हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैं मदर मार्था बोल रही हूँ, मदर ब्लेस अनाथ आश्रम से। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं महिला पुलिस थाने से। बोलिए। हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए मैजिक शो होने वाला है ना, उसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉप मिसिंग है, टारगेट विल बोर्ड। पता नहीं किसने चुरा लिया, मिसिंग है, कहाँ रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने लिया भी है तो ये इसका क्या करेगा वो? देखिए पुष्पा जी, अभी के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, अब हम उसके बिना कैसे करेंगे ये शो?
आप पुष्पा जी एक बात बताइए, आप इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ, जरूर मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारा काम ही यही है। आप निश्चिंत रहिए, ये केस हम ही सुलझाएंगे अकेले। बदनाम की दुकान में टारगेट बोर्ड जैसा ही कुछ दिखा था, बल्कि हमें तो लगता है कि हमने किस सुलझा ही दिया है। हाँ, हमें पता है वो बोर्ड कहाँ है, हम सीधा बोर्ड लेकर ही आते हैं। थैंक यू सो मच। ये यहाँ कैसे आया? खैर, हमको क्या, हमें तो मिल गया ना। बदनाम, बदनाम। ओ पुष्पा जी, इस बदनाम को याद कैसे किया आपने? हो गई बकैती, मजदूरों को बुलाओ, यही लेकर जाना है यहाँ से। मजदूर? नो मैच, इनमें से किसी का भी फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर मेरे सिस्टम में स्टोर्ड फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता। मालूम है मुझे, मंगत ने भेजा ना आपको, धंधे में मेरा कॉम्पिटिटर है वो, उसी ने कहा होगा कि मेरे जोकर किसी काम के नहीं है, मुझे वो नीचा दिखाना चाहता है ना, ताकि वो सारा शो हड़प ले। हम आओ, बकैती बंद करो, हम अपना जोकर ढूंढ रहे हैं। अपना जोकर? आप प्लीज चुप रहिए, एक सेकंड, हमें समझ नहीं आ रहा ये सब एक जैसे नजर क्यों आ रहे हैं। एक जैसा तो लगना ही पड़ता है ना मैडम, तभी तो जादूगर ऑडियंस की आंखों में धूल झोंक पाएंगे। उसे धूल झोंकना नहीं कहते, उसको हाथ की सफाई कहते हैं। कुछ तो अपने जादूगर की इज्जत रखो बेटा, शो में रहना है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों का हो गया। सर, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? टारगेट बोर्ड गायब हो गया। बोर्ड कहाँ जा सकता है? पता नहीं सर, जहाँ था वहाँ तो है ही नहीं, हर जगह देखा मैंने। अब ये क्या मुसीबत है, कितना इम्पोर्टेंट सामान था वो, उसके बिना शो हो ही नहीं सकता है। एक मिनट, टारगेट बोर्ड गायब हुआ, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? मैडम, ये टारगेट बोर्ड गायब हुआ है ना, हमारा ही कारनामा है। का? मैडम, हम और बिल्ला मिलकर ना ये टारगेट बोर्ड को बदनाम वाली दुकान में छुपा दिए थे। पर काहे? क्या ये पुष्पा जी के जान को कोई खतरा ना हो ना, इसलिए। एक मिनट, अगर पुष्पा जी और वो टारगेट बोर्ड अगर एक ही जगह पर है, इसका मतलब मीरा का प्रेडिक्शन सही होने वाला है। लगाओ, पुष्पा जी को फोन लगाओ, जल्दी आइए। मैडम सर, पुष्पा जी फोन नहीं उठा रही। मैडम सर, क्या? हाँ ठीक है, बिल्लू को फोन ट्राई करो, वो दोनों वहीं हैं थाने में, साथ में होंगे, और स्पीकर पर डालो। रॉन्ग थ्योरी, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर पुष्पा जी पे हमला होगा तो यहीं ऑर्फनेज में होगा, किसी चाय के स्टॉल पर नहीं। तुमने किया था ना स्कैन सारे जोकरों को, कुछ मिला नहीं ना, कहीं का बात कहीं जोड़ रही हो, कुछ भी देख रही हो, तुम्हारी मशीनरी खराब है सच में। नहीं मतलब पुष्पा जी थाने के पास है, टारगेट बोर्ड थाने के पास है, अगर जोकर वहाँ हुआ तो फिर करती रहना अपनी प्रेडिक्शन, समझ लो हमारी बात को। देखो जोकर का जो होगा सो होगा, लेकिन अगर पुष्पा जी को खराश भी है ना, तो तुमको ऐसा चिपका के ना एकदम तुम्हारे ऊपर हमें रोट यानी तल दी, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, तुम ध्यान रखना। हेलो मैडम, मैडम सर, बिल्ला का फोन लगे, बिल्ला का फोन। हाँ हेलो बिल्ले हेलो। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे हम सिग्नल पकड़े हुए हैं, तुम बाहर निकलो, सिग्नल पकड़ कर तुम मत आओ। अरे नहीं नहीं, बाहर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मतलब? क्लाइमेक्स चल रहा है। देख रहे मैडम सर, कितना गिरा हुआ नीच इंसान है, यहाँ पर किसी के जान पर बात बनाई है, इसको फिल्म का पड़ा हुआ। अरे आएगा तुम बाहर करेगा नौटंकी? दो मिनट, 12 के बाद कर दूं। बिल्ले हेलो। बाप रे, हेलो, क्या करें मैडम सर इसका। ठीक है चलिए वापस थाने चलते, चलिए जल्दी।
रहे खड़े रहो नीरज नीरज जी स्कैन नो मैच ये वो जोकर नहीं है जिसने पुष्पा सिंह पे हमला किया है हमने कुछ नहीं किया साहब अरे मैडम ये जोकर साहब को हमने बुलाया है ये बच्चों का एंटरटेन करने के लिए अरे मुझे करना ही नहीं है एंटरटेनमेंट मैं जा रहा हूं हमारा पैसा कहां है अरे मेरे पास नहीं है ओके कम से कम खुशी की बात ये है कि पुष्पा जी सेफ हैं अब किसी भी कीमत पर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं पुष्पा जी को देखे नहीं क्यों का मतलब देखे क्या हुआ पुष्पा जी को पुष्पा जी को कुछ हुआ नहीं है लेकिन पुष्पा जी है नहीं है हाँ मतलब मैं बाथरूम गया था जैसे वापस आया पुष्पा जी गायब फोन इधर ही बजेगा फोन अंदर छोड़ के चली गई है माँ मेरी भोली माँ कहाँ गई पुष्पा जी बाप रे मैं क्या हे बाप रे अरे हमसे जरा पूछिए हमको पता है पुष्पा जी कहाँ गई कहाँ कहाँ गई अरे वो फोन अनाथालय से साफ बोलना चलती बोलना यार मुंह में दही जमा कर बैठा है बोल क्या है पुष्पा जी अरे वो अनाथालय से फोन आया था वहां का टारगेट बोर्ड मिसिंग है वही पहुंचाने गई है चलिए 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 हटिए हटिए पागल वैसे मीरा जी अभी तो एकदम 100 की स्पीड से चलती होंगी ना yes. उम्मीद करते हैं पिकअप भी जल्दी पकड़ लेती होंगी yes. तो आप कहे नहीं हम लोग से पहले जाकर पुष्पा जी को बचा रही हैं सॉरी अभी मेरी चार्जिंग से 50% है 100 की स्पीड से भागने के लिए मुझे कम से कम 80% चार्जिंग चाहिए कोई पावर बैंक वगैरह नो बे और अब हमारे आज के शो का सबसे नायाब और सबसे खतरनाक आइटम जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था सर बिलबोर्ड तो अभी तक आया नहीं लेकिन अच्छे से संभाल के ये देखिए हम लेकर आए हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ हमने केस सुलझाया ये आज का ये प्रोग्राम आपके नाम हाँ क्या हुआ सर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज आज का दिन ही खराब है क्या हुआ अभी अभी मेरे असिस्टेंट का फोन आया था उसने बोला कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है मुझे बिना बताए घर चला गया वो अरे तो हम बन जाते हैं आपके सहायक पक्का हाँ हाँ पक्का पक्का एकदम 100% क्या हुआ चलिए अरे अब क्या बाप रे चलिए बहुत बढ़िया किया चलो 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 चलिए चलिए जल्दी चलिए कई परसेंट चार्ज हुई मीरा जी 65% अब तो हम पक्का SHO बन जाएंगे अब बताइए क्या करना है मैडम आपको कुछ नहीं करना है खाली इधर आके खड़े रहना है आपको हाँ 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 और आपको ये पकड़ना है ये पकड़ना है अब क्या करना है बताइए आपके हाथ बांध देंगे हम और ये जोकर बारी बारी से आपके ऊपर चाकू चलाएंगे चाकू आपकी जगह पे टारगेट बोर्ड को लगेगा बस हो गया ये आइटम सिंपल नहीं नहीं काहे का सिंपल
वो हम पर चाकू चलाएगा तो हमें लग जाएगा। तो हमारे जोकर ये कई सालों से आइटम कर रहे हैं, इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। आज अगर इनका रिकॉर्ड टूट गया तो हमें चाकू लग जाएगा तो हम तो अभी ये हमारी उम्र ही क्या है, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, ये भी कोई हमारी उम्र ही ऊपर जाने की। नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। देखिए मैडम, इन बच्चों की तरफ कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस आइटम को देखने का। कैसा लगेगा इनका उतरा हुआ मासूम सा चेहरा देखकर जब इन्हें पता चलेगा कि आपकी वजह से ये आइटम कैंसिल हो गया है। भरोसा कीजिए मैडम हमारा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रस्सी कहाँ है? हाँ वो ला रहे सर। आराम से। चाकू लेके आइए। हेलो मदर मार्था, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। जी वो नहीं है, उनका फोन हमारे पास है, बोलिए। हमारी एक टीम मेंबर कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहाँ पहुँची होंगी टारगेट व्हील का बोर्ड साथ में लेकर। जी पुष्पा जी ना वो स्टेज पर ही हैं। जी हाँ, दरअसल हमें बहुत अर्जेंट काम है उनसे और वो फोन नहीं उठा पा रही है, उनका फोन लग नहीं रहा है, थोड़ा अर्जेंट है, उनसे बात करा सकती है? हाँ जी। सुनो माही बेटा, वो स्टेज पे पुलिस वाली है ना पुष्पा जी, उनको ये फोन दे दोगी? पुष्पा आंटी आप ही है ना? हाँ। हसीना दीदी का फोन आया है। मैडम सर का फोन? हमारे फोन कहाँ? इस हमारे फोन पे क्यों नहीं है? लगा लो, कान पे लगाओ। हेलो पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर, बोलिए। पुष्पा जी हमारे बात ध्यान से सुनिए, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीरा ने आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है। उस व्हील के आगे आप पर चाकू से अटैक होने वाला है, आपकी जान खतरे में है, इसलिए प्लीज कुछ भी करिए वहाँ से हट जाइए तुरंत। हेलो पुष्पा जी, आपको सुनाई दे रहा है हमने क्या कहा? क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं। पुष्पा जी रिलैक्स। हेलो पुष्पा जी, सुनाई दे रहा है आपको? प्लीज सब लाइन में आइए प्लीज। नहीं, हमें खोल दीजिए, हमें नहीं करना है, हमें जाने दीजिए। मैडम प्लीज चिल्लाइए मत। नहीं हमें करना ही नहीं है ना। मीरा जी आप कितने परसेंट चार्ज हुई? 71%। मीरा जी एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, नहीं हम मानते हैं कि आप एडवांस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, लेकिन जो साइंटिस्ट आपको बनाया है ना, माँ कसम एकदम थर्ड क्लास का चीप बैटरी चिपका दिया है आपको। अरे इतना देर में तो हमारे बाबा का बीपी मशीन 10 बार चार्ज हो जाता है मीरा जी। मेरा चार्जिंग सिस्टम धूप की किरणों की ऊर्जा क्षमता पर डिपेंड करता है, आज धूप हल्की है इसलिए चार्जिंग भी स्लो है। अब आपकी बारी है। हमें इस मौके का इंतजार सालों से था पुष्पा सिंह, you
आपको कुछ नहीं होने देंगे पुष्पा जी। अब आपकी बारी है। अब तेरा खेल खत्म पुष्पा सिंह। तो गोली मार देंगे। चाकू फेंको। इट्स अ मैच। ये वही जोकर है। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मेरे लोग जिनके निशाने पे ये बच्चे हैं इन सब को जान से मार देंगे। देखो कोई बेवकूफी वाली हरकत मत करना। अपनी गन्स नीचे रखो, नीचे रखो। ठीक है ओके। देखो हम गन फेंक रहे हैं, हमने गन फेंक दी है। अब अपने साथियों से कहो कि बच्चों को छोड़ दे, तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। नहीं, पहले मैं यहां से जाऊंगी और फिर ये बच्चे। अच्छा ठीक है शांत शांत शांत। कम से कम जाने से पहले इतना तो बता दो कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, चाहती क्या हो। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैडम सर किससे बात कर रही हैं आप? ये सन की औरत है, इनको सुधारना नहीं चाहिए, इनको परलोक से धार देना चाहिए। ये बातों की भूत नहीं है, इस पे गोली दागी है। सन की नहीं हूं मैं, सन की नहीं हूं। इस पुष्पा सिंह ने मुझे सन की बोला था, सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारी दोस्त के लायक नहीं हूं? You bloody idiot! क्या गलत कहा उसने? हमारे लल्ला का बचपन का दोस्त है, भाई से भी बढ़कर है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे लल्ला के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और वो ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि तुम जैसी घमंडी और अहंकारी लड़की के साथ अगर हमारे भोले वाले लल्ला की शादी हुई ना तो उसका जीवन नरक बन जाएगा जीते जी। बात कर रहे हैं हम, हमें हमारे मासूम लल्ला के लिए तुम्हारी जैसी अहंकारी सनकी लड़की की जरूरत नहीं है। हे, सनकी नहीं हूं मैं, इसके बेटे से प्यार करती थी, पर इसके बेटे और इसने मिलकर मुझे रिजेक्ट कर दिया और इसकी जगह ये करिश्मा सिंह जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है मुझसे। ये कहा और मैं कहां, पर फिर भी मुझे रिजेक्शन मिला और इसे सारा प्यार मिला, ये बहू बनी। तू क्या करती, मैं बदला नहीं लेती? अरे मुझे तो बदला लेना था। मुझे पता चला कि यहां ये फंक्शन हो रहा है तो बस ये करिश्मा सिंह या ये पुष्पा सिंह, इन दोनों में से आज कोई तो जाएगा। नहीं नहीं रुक जाओ, तूने सनकी कहा था ना, तो अब तू ही जाएगी। रुक जाओ।
ठीक है। और तुम, तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ईगो था। तुम्हारे लिए पुष्पा जी के लल्ला एक शोकेस में रखे चमकते पर्स के अलावा और कुछ भी नहीं थे। और जब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जब वो चमकती हुई चीज तुम्हें नहीं मिली, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, तुमसे हैंडल नहीं हुआ और तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार बन गया जिद, एक अंधी जिद, जिसके चक्कर में आके तुम एक मासूम इंसान की जान लेने पर उतर आए। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते वक्त? अगर ये सच में प्यार होता ना रीमा, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि प्यार में हम सामने वाले के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहते। प्यार सिर्फ चाहने का मतलब है, पाने का नहीं। तुमने हमसे पूछा ना कि हमारे लल्ला ने पत्नी के रूप में तुम्हें नहीं करिश्मा सिंह को ही क्यों चुना? क्या फर्क है तुम्हें और उनमें? ये फर्क है जो घर की तुलसी और जंगली फूल में होता है। आंगन की तुलसी पूरे घर को महकाती है, जरूरत पड़ने पर आशीर्वाद और औषधि भी बन जाती है, मगर जंगली फूल वो किसी काम नहीं आता। ना उसकी खुशबू काम आती है और ना ही वो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। वो बस इसी अहंकार में खिलते और मुरझा जाते हैं कि वही फूलों का राजा है। चीते, ले जाओ सन की औरत को। चलिए 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 चलिए। नहीं ज्यादा लाड में मत आइए, ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना। सच कहे हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो फूट गए, भाग खुल गए। आई एम वेरी कंफ्यूज, एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है? ये लोग इमोशनल हैं तो फिर ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? खुश हैं तो आंखों में आंसू क्यों हैं? दुखी हैं तो फिर हंस क्यों रहे हैं? Humans are still complicated. मैडम, आप सबने यहाँ आकर हमारे आश्रम और हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपके लिए तो बस एक ही चीज बनती है। थैंक यू सर। अरे भाई, हम सब जानते हैं पुष्पा जी के जान को खतरा है, अगर ये ना बताती तो आप लोग कैसे उस खतरे को टाल पाते? मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को मीरा जी के साथ काम करने में कोई आपत्ति होगी। इस नई तकनीक से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा और ये कार्यशैली हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब मैं चाहता हूं कि मीरा जी के लिए, इनकी प्रतिभा के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग एक बार तालियां बजा दें। और अगर ये प्रयोग कामयाब रहा, क्राइम रेट गिरा, तो हम अपनी टीम की नौकरियां कैसे बचा पाएंगे? क्राइम 50% से नीचे आ गया तो न जाने कितने पुलिस कर्मचारी बेरोजगार होने वाले हैं। कैसी कश्मकश है ये, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिल्ले इलाही, यानार कली का तोहफा आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो कबूल कीजिए जिल्ले इलाही। ए लड़की, आमा ए। क्या 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 है ये बिल्ले, चल क्या रहा है? अरे पुष्पा जी, हमारे मोहल्ले में जो मुगले आजम का नाटक आ रहा है उसमें सलीम के रोल के लिए मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। ये अनारकली जिल्ले इलाही, ये अनारकली? हाँ माँ, ये अनारकली है। सलीम भी तो ऐसा ही है, अब क्या बोल। वैसे बिल, हाँ बिल्ले, अगर तुम्हें अभिनय करना है तो किसी प्रशिक्षित गुरु से अभिनय क्यों नहीं सीखते तुम, जो तुम्हारे आसपास ही है, समझ रहे हो तुम? हाँ
और वो सिर्फ एक चाय और 5 समोसे के गुरु दक्षिणा में काम करने के लिए तैयार है, बताओ। हैं? हाँ है, तो ठीक है फिर हम सिखाते हैं। हम सिखाते, देखो क्या। ए बाप रे, अनारकली। अनारकली ऐसी होती है, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन अनारकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल और चार्मिंग लेडी थी, पर ये जो अनारकली है वो बहुत ही फनी है। क्या? अपनी कैबिन में चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और वैसे सही में तो कह रही है वो, कैसे दिख रहे हो तुम, इस जले हुए अदरक की तरह, भुने हुए लहसुन की तरह। अनारकली अनारकली सुंदर थी। हाँ, अरे भवे देखो तुम्हारी, रावण लग रहे हो तुम, रावण। चुप रहे, जाओ जाओ किसी ब्यूटी पार्लर में जाओ, अपनी भवे तो ठीक कर। अरे औरतों वाली कोई अदा भी तो होनी चाहिए कि नहीं। माई लाई मुझे लज्जा के पार्लर जाने में। अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन पार्लर्स में आईब्रोज पहले धागे के थ्रू बनाई जाती थी, पर आजकल उसके लिए रेजर का भी इस्तेमाल होता है, जो कि मेरे अंदर। अरे बदनाम, कब से हम यहाँ अभिनय कर रहे हैं, चाय का इंतजाम तो करो। जाओ अब बिलाया पूछा जी, बदनाम स्पेशल चाय है। और जाइए ना, अभी अपना अपना काम कीजिए, जाइए जाइए। शो देखने आना, रिहर्सल बहुत देख ली, जाओ जाओ। रेजर मेरे अंदर इनबिल्ट है, और अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपकी आईब्रो फिक्स कर सकती हूँ। माँ क्या क्या इनबिल्ट है, चाहता तो मैं भी हूँ, मतलब आईब्रो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट चाहता हूँ माँ। कोनी में हे भगवान, चलो अच्छा हुआ सब लोग चले गए, वरना हम लोग बड़ी मुसीबत में आते। बिल्ले दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अनारकली की जगह सिर्प नक दिख रहा हूँ। अब ये नक्कटी अनारकली कैसे दिखेगी, हाँ बच्चे डर जाएंगे इसे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इनकी गलती है, मैंने इन्हें हिलने के लिए मना किया था, अगर ये नहीं हिलते तो मिशन आईब्रो फेल नहीं होता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक कर देंगे। देखो हमारी ना एक दोस्त है पंजू, उसका ब्यूटी पार्लर है बंसी नगर में, तुम उसके यहाँ जाओ, वो सब ठीक करके देगी तुम्हें, जाओ। नहीं जा सकती, ड्यूटी आवर्स में पर्सनल एजेंडा पूरा करना अलाउड नहीं है, और ये इनके ड्यूटी आवर्स चल रहे हैं, तो एज पर रूल्स ये कहीं नहीं जा सकती अपने पर्सनल काम करने। हाँ, हाँ, हमें मत सिखाओ रूल्स, पता है हमें रूल्स, और मैडम सर से परमिशन लेनी है ना, हम ले लेंगे। थैंक यू। अरे वाह क्या बात है, बदनाम की तो चाय भी अब रेट हो गई है, गुड। मैडम सर अभी कहाँ, किस जानवर से उम्मीद कर रही है, अरे वो तो अभी भी 7 दिन पुराना चाय पत्ती का बना हुआ चाय सबको पिला रहा है। अरे तो आपको चाय पीना था ना, इसीलिए बाहर जाकर बढ़िया दुकान से स्पेशल चाय लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए कितना बढ़िया पैक भी किया है। थैंक यू। मैडम सर आपको पता है इस सब ना एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, सब इकबल हुआ, बदनाम हुआ, बिलौट हुआ, एक काम के लिए तब से बिलौटा को ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ गायब है, सब कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, हमें प्लीज वो जोकर वाले केस की फाइल ला कर दो, हमें डीएसपी सर को मीरा की ऑफिशियल रिपोर्ट देनी है। ठीक है मैडम सर, करिश्मा मैडम कहीं बाहर भेजी है क्या? हाँ हाँ, हमने उन्हें फील्ड पर भेजा है एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए, इनफैक्ट काफी देर हो गई है, उन्हें फोन करो पूछो जरा कहाँ पहुंची है, क्या हो रहा है। मैडम सर हम फोन तो कर लेते, लेकिन क्या है ना कि अभी हमारा फोन स्विच ऑफ हुआ है, अभी तुरंत चार्ज में लगाए, स्विच ऑन तो हुआ नहीं होगा, और थाने का लैंडलाइन का तो काम चल रहा है आप तो जानती हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके फोन से कर ले मैडम सर। थैंक यू मैडम सर। हाँ तो हाँ, पॉकेट मारी से पहले अपना चरम कुंडली दिखा तो लेते किसी अच्छे पंडित को, वो तुम्हें आगाह कर देता। करिश्मा सिंह के इलाके में ये सब दुस्साहस करने का कोशिश भी किया ना, तो तुम्हारा या तो आधा जिंदगी जेल में कटेगा या फिर अस्पताल में, दिखा देते तो ये दशा नहीं होती ना। मैडम रुकिए रुकिए, का ये देखिए मैडम, मैडम चाय पानी रखिए ना, अभी इतना ही है, मुझे जाने दीजिए, आगे से आपको 10% और बड़ी चोरी पर 20% ईमानदारी से थाने पहुंच जाया करेगा। रखिए मैडम रखिए। रिश्वत देते हमको तुम, हाँ तुम्हारा 7.5 ही खराब चल रहा है सच में, ये तो करिश्मा सिंह को रिश्वत देने का दुस्साहस वो इंसान कर सकता है जिसकी कुंडली में प्रचंड टुकाई लिखी हो। मैडम तुम रुको, बहुत लंबा उम्र है आपका मैडम सर, बस अभी आप ही को याद कर रहे थे। जय हिंद मैडम। ही मैडम सर नहीं, हम बोल रहे हैं चीता चतुर्वेदी मैडम सर के फोन से। चीते तुम मैडम सर के फोन से काहे बोल रहे हैं? अरे हुआ कहना कि हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया था, आ भी गया। हेलो
पता नहीं किसी का फोन, एक सेकंड मैडम। अरे हमारा फोन तो देते जाते। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो चीते। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हमको पता है तुम बोल रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि तुम मैडम से पूछो, उन्होंने जो जेब कतरों को पकड़ने भेजा था वो कुछ ज्यादा ही अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, रिश्वत दे रहे हैं, तो उनका मेकअप कर सकते हैं क्या, हम ये पूछो। अरे मैडम सर से जरा पूछ के बताओ जरा, हम थोड़ी देर के लिए ब्यूटी पार्लर जाके आ सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, ऐसा गलती ना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जानती है ना कि मैडम सर इन सब चीजों के कितना खिलाफ है, मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, मेकअप नहीं करना है, सिर्फ आईब्रो बनवाने हैं। हाँ आईब्रो तक ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा मेकअप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आईब्रो फिक्स पके जा रहे हो कुछ भी? रुको बेटा, तुम्हारा आके मेकअप करे क्या अभी चीते? नहीं नहीं, हमको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवाना है, क्या बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं चीते, तुमको नहीं कराना है, बिल्लू के आईब्रो बनवाने हैं, इसलिए उसको पार्लर लेके जा रहे हैं हम। कहा भाई, इसका मेला चल रहा है, कहा कि उसका आईब्रो बनवा रही है, क्यों क्यों क्या कर रहे हो, क्यों क्यों क्यों? हाँ ऐसी बकवास बात करोगे तो तुम्हारा वही करेंगे ना हाल, हम आके मेकअप ही करेंगे ना, पता है ना कौन है हम? अनारकली का रोल कर रहा है ना, तो पेडिक्योर मैनिक्योर करेगा तो थोड़ा तो अच्छा लगेगा, वरना हाथ पैर देखो उसके कैसे राक्षस जैसे लगते हैं। हाँ अनारकली, पता है ना कौन है हम? हाँ अनारकली। तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम हमको अनारकली बोलोगे, हमको अनारकली बोलोगे तुम? हाँ रुको, हम आते हैं वहाँ पे और तुमको बताते हैं। बेटा तुम्हारे अनार का वो कली खिलाएंगे ना हम, कि सारा बेअदबी भूल जाओगे, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? अरे आपको नहीं भाई, इनको इनको बोले हैं। किनको? करिश्मा मैडम को। चीते तुमने करिश्मा जी को अनारकली कहा, शर्म नहीं आई तुमको? हाँ अपने सीनियर को अनारकली कहते हो तुम? इधर दलील तो देखो ऐसा है मत की, मान भी रहे हैं कि हमको अनारकली बोल रहे हैं। अरे आपको नहीं इनको बोल रहे हैं, इनको समझ रही हैं आप, पुष्पा जी को बोले अनारकली, मैडम कसम से बोल रहे हैं हम। बहुत बढ़िया बेटा, अब तो आके सीधा गोली ही दागेंगे तुम्हारे अंदर। आपको कसम खाकर बोल रहे हैं हम, आपको नहीं बोले भाई, समझ कहे नहीं रही आप, हम इनको बोले। मैडम सर, मैडम सर देखिए, दोनों सास बहू का झगड़ा फिर से शुरू हो गया, इन दोनों के बीच में दबकर हम मर जाएंगे, प्लीज संभालिए आप। स्पीकर पर डालो। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, दोनों अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी जी मैडम सर, सुन रहे हैं हम। चीता जो है आप दोनों से एक साथ फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। हम बोले भी, बोले जितना हम आपकी बात समझ पाए हैं करिश्मा सिंह, जिस पॉकेट मार को हमने अरेस्ट करने के लिए आपको भेजा था, उसने आपको रिश्वत देने की कोशिश की, इसलिए आप उससे मारपीट करने की बात कर रही हैं, राइट? जी राइट राइट। ओके, तो आप उसके साथ कोई मारपीट नहीं करेंगी, आप उसे पहले थाने लेकर आएंगी, क्लियर? लेकिन मैडम सर ये ना, क्लियर क्लियर। ओके रखो। पुष्पा जी, जितना हमें आपकी बात समझ में आई है, आपको थोड़ी देर के लिए पार्लर जाना होगा, क्योंकि बिल्लू किसी नाटक में अनारकली बनने वाला है, जिसके लिए उसे अपनी आईब्रो ठीक करानी है और उसे आपकी मदद चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल सही मैडम सर, आप बिल्कुल सही समझिए। जी तो अब आप जाइए पार्लर, मीरा को साथ लेकर जाइए, क्योंकि हम उसे अकेला छोड़ने की रिस्क नहीं ले सकते, एक्सपोज नहीं होना चाहिए कि वो एक मशीन है, इसलिए आप उसे साथ लेकर जाइए, आपका काम भी हो जाएगा और पेट्रोलिंग भी हो जाएगी, क्लियर? हाँ हाँ आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हम सब संभालेंगे, ठीक है? जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। ओके जय हिंद। चल बिल्ली चलो ब्यूटी पार्लर, चलो चलो चलो, मैडम सर ने बोला तुमको भी साथ लेके चलो, चलो और दिखाएगी पता नहीं। ठीक है तो हम थोड़ी देर के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, तब तक तुम संभालोगे थाना? मैडम सर इसे चो बनना सच में बहुत मुश्किल का काम है। हम जानते हैं, हमारा फोन दो। सुनिए वो मंजू जी कहाँ है? जी वो वहाँ है। मंजू, कि मैं किन्नड़ा से लखनऊ आ गई हूँ और अपना ब्यूटी पार्लर यहाँ खोल दिया है, और तू है कि आ जा रही मुझसे मिलने के लिए? हाँ ऐसी तेरी बचपन की दोस्ती, कैसी बेस्ट फ्रेंड है रे तू? अब तुमको पता है ना पुलिस की नौकरी कैसी होती है, हम भी तो कब से तड़प रहे थे तुमसे मिलने के लिए। सब छोड़ ना, ये बता कैसी है तू? अरे मैं तो एकदम भली चंगी हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे पहले से ज्यादा हट्टी पट्टी हो गई है।
इसे हट्टी कट्टी नहीं मोटी कहते हैं। बक कहाँ, पहले जैसे तो है हम, ऐसे एकदम स्लिम ट्रिम। बस यहाँ वहां से थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। जिम जाना शुरू करेंगे ना, दो दिन में कम करेंगे। हाँ। फिर से गलत, आपकी एज में वेट इतनी आसानी से कम नहीं होता, दो चार दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। ये ऐसे क्यों बोल रही है, मशीन की तरह? हाँ, पोकर फेस, नो एक्सप्रेशन। आई एम मीरा जी। अगर ये बात सबके सामने आ गई कि मीरा एक रिपोर्ट है, तो डीएसपी सर हम सबकी छुट्टी कर देंगे।